हेलो सेवेंथ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, देयर इज ड्राइंग लेक्चर। टेक आउट योर क्रिएटिव ड्राइंग बुक। आज क्रिएटिव ड्राइंग बुक में पेज नंबर 15 और 17 दो चीज़ें हमें ड्रॉ करना है, कलर करना है। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्रिएटिव डिजाइन। पेज नंबर 15। नेक्स्ट, नेचर ड्राइंग। नेचर ड्राइंग पेज नंबर 17। और यहाँ पर आज की जो डेट है वो आप रखेंगे। देखिए इस तरह से, ओके ना। पेज नंबर 1515 पर आइए। पेज नंबर 1515, पिक्चर कंपोजिशन क्रिएटिव। यहाँ पे क्रिएटिव पिक्चर कंपोजिशन जो बताया है, रेक्टेंगल शेप ड्रॉ किया दोनों में, और उसके बाद फिर फर्स्ट में क्या है, क्लाउड्स है, बटरफ्लाई है, लोटस है, ये पानी का हिस्सा है, फिश है दो, सेकंड में तो पैरट्स। जैसे कि आईना रखा है एक तरफ जैसा है, दूसरी तरफ भी वैसा ही है, यहाँ भी वैसा। वो क्या कह रहे हैं नीचे, अ क्रिएटिव पिक्चर कंपोजिशन बाय टेकिंग द फॉर्म्स ऑफ बटरफ्लाई, रिवर, लोटस, फिश, द सन, क्लाउड एंड हिल इज मेड ऑन द लेफ्ट साइड अबव, स्टडी इट एंड इट्स पेंटिंग। देखिए अच्छी तरह से गौर फरमाइए, ये बटरफ्लाई, लोटस, फिश, क्लाउड वगैरह है, कैसे किया, यानी कि ये पहले एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेना है पड़ा, उसके बाद बिल्कुल मिडिल में ऊपर और नीचे डॉट रख देना, बिल्कुल हाफ हाफ पोर्शन में बराबर फिर लाइन ड्रॉ कर, एक तरफ का पहले पूरा बना लेंगे सब कुछ जो कुछ भी है, वैसा ही जैसा कि आईना रखने पर, मिरर रखने पर दूसरी तरफ वैसा ही दिखता है, वो दूसरी तरफ बनाना है। नंबर टू, अ क्रिएटिव पिक्चर कंपोजिशन इज मेड बाय टेकिंग द फॉर्म्स लाइक माउंटेन, द सन, ट्री, वाटर, फिश एंड पैरट ऑन द राइट साइड अबव। यहाँ पे ये राइट साइड पर पैरट ने वो समझो फिश, स्टडी द लाइट एंड शेड डन विथ पेंसिल। रेक्टेंगल शेप बना लिया हमने, फिर यहाँ पे डॉट रख दिया हाफ पोर्शन में, फिर एक हल्के से लाइन ड्रॉ कर लिया, एक तरफ का बना लेंगे, दूसरी तरफ भी वैसा ही बनाना है, ओके। इसमें सिर्फ पेंसिल वर्क है, शेडिंग, पेंसिल से शेडिंग करना है, जबकि इसको पेंसिल ड्रॉ भी करना है, स्केच बनाना भी है और फिर कलर भी करना है। नेक्स्ट पेज पर आइए, 1515। मेक अ क्रिएटिव पिक्चर कंपोजिशन बाय टेकिंग द फॉर्म्स ऑफ रिवर, फिश, ट्री, द सन एंड एलिफेंट इन 22 by 15 centimeter rectangle here. Make a creative picture composition by taking the forms of butterfly, river, lotus, fish, sun, cloud and a hill. Fill original color in the picture composition. Use watercolors or poster colors for painting. हम क्या करेंगे, हम वही दोनों पेज नंबर 1414 वाला है डिटो वैसा यहाँ पर बनाएंगे। मैंने थोड़ा बनाया, बड़ा बनाया है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बीच में बराबर बीच में एक खड़ी लाइन ड्रॉ कर ली, वर्टिकल लाइन, फिर रेक्टेंगल शेप बनाया सेम साइज के दोनों, फिर बीच में लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने बराबर हाफ ये में, और फिर एक तरफ का बना लिया वैसा ही दूसरी तरफ बनाया, यहाँ भी एक तरफ का बना लिया, आधे में एक तरफ का बनाया वैसा ही अब दूसरी तरफ बनाऊँगा, ऐसा है। इसमें कलर करना है मगर इसमें सिर्फ पेंसिल वर्क के बन जाने के बाद
पेंसिल शेडिंग करनी है, कुछ टेक्सचर्स भरने हैं, कैलीग्राफी वर्क करने हैं। ओके, तो ये पेज नंबर 1515 आपको पेज नंबर 1414 में से देखकर दोनों ही बनाने हैं। एक में कलर करना है बटरफ्लाई वाला और पैरट वाले में पेंसिल वर्क शेडिंग। नेक्स्ट नेचर ड्राइंग। नेचर ड्राइंग यानी कि हम कुदरत ने जो बनाई हुई चीज़ उसका ड्राइंग करते हैं, वो नेचर ड्राइंग। स्टडी देखिए, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, बैंगन, आलू, भिंडी, कैसे ड्रॉ करना, और यहाँ पर उसी चीज़ को आड़ा टेढ़ा इधर उधर रखकर फिर कैलीग्राफी वर्क किया है, ऊपरा छापरी रखकर। स्टडी द नेचर ड्राइंग ऑफ ब्रिंजाल पोटेटो एंड लेडीज फिंगर गिवन अबो। देखिए यहाँ पर, स्टडी ऑल्सो द क्रिएटिव नेचर ड्राइंग ऑफ द सेम अलॉन्ग विथ इट। इसके साथ साथ राइट साइड पर वही चीज़ें यहाँ वहाँ रखकर ओवरलैप करके ड्रॉ किया, और फिर इसके अंदर कुछ कैलीग्राफिक वर्क किया है। हमने कैलीग्राफिक वर्क सीख लिया है ना पहले बेटा? देखिए, हाँ देखिए, फॉर्म्स बनाए थे हमने, कैलीग्राफिक फॉर्म्स, और फिर ये कैलीग्राफिक फॉर्म्स स्केच हमने सीख लिया है। ओके, तो इन्हें कहते हैं कैलीग्राफी स्केच या फॉर्म्स। तो इस तरह से इसमें फिर वो कैलीग्राफी वर्क करना है, बराबर। मगर इस पेज पर नहीं, खाली बताया है, ये पेज नंबर 1616 सिर्फ समझने के लिए। सामने वाले पेज 1717 पर आइए, 1717 पर आइए। नेचर ड्राइंग, मेक अ स्केच ऑफ नेचर ड्राइंग ऑफ ब्रिंजल पोटैटो एंड लेडीज फिंगर एंड फिल एग्जैक्ट कलर इन द ब्लैंक स्पेस गिवन अबव। आधे में लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने, एक तरफ आप ब्रिंजल पोटैटो लेडीज फिंगर ड्रॉ करेंगे और दूसरी तरफ ये रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करके ऊपरा छापरी रख कर फिर अब अलग अलग, जैसे यहाँ बताया है पेज नंबर 1616 पे, वैसा ही बनाना है आपको। देखिए, ड्रॉ अ क्रिएटिव नेचर ड्राइंग इन 8x12 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन ऑन द राइट साइड अलोंग विद दिस नेचर ड्राइंग, डू कैलीग्राफी वर्क इन इट। यहाँ पे ये तीन सब्जियों का कलर करना है जैसे यहाँ पर बताया है। आमतौर पर सब्जियाँ हर रोज खाते, हमें पता है कौन से कलर के होती है, वो दिखते कौन से कलर। तो यहाँ पर बनाना है ये ब्रिंजल पोटैटो लेडीज फिंगर, फिर कलर करना है, ज़रूरत पड़ने पर स्केच पेन कहीं यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वही भिंडी है, आलू है और बैंगन है, इस तरह से ड्रॉ करके सेम ऐसा, अगर तुम्हें परेशानी आ रही है तो कोई बात नहीं, सेम ऐसा ही ड्रॉ करना है ये राइट साइड पर, पेज नंबर 1717 के राइट साइड पर। फिर कैलीग्राफी वर्क करना है, इसमें कलर नहीं करना है, इसमें कलर नहीं करना है। हाँ, ये आउटर बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर करना चाहते हो करोगे, बाकी सब ब्लैक स्केच पेन से ये कैलीग्राफी वर्क जो है देख देख कर उसके ऊपर करना है, जहाँ पर जैसा है, कहीं डॉट है, कहीं सर्कल है, कहीं वेविंग लाइंस है, कहीं वो डोरी का, पतंग की डोरी का गुच्छा कैसा वैसा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखकर कर स्केच पेन के साथ आ रही, यहाँ पे कैलीग्राफी पर करो, यहाँ पे कलर करना है। ओके, तो पेज नंबर 1515 एंड 1717 आपको मैंने समझा दिया, उसी तरह से क्रिएटिव बुक में ड्रॉ करना है, कलर करना है। ओके, बाय चिल्ड्रन।